नमस्कार, आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ दीपाली। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। नोएडा से बड़ी खबर आ रही है, निजी स्कूल के स्विमिंग पूल में चार्टर्ड अकाउंटेंट की मौत हो गई है। नोएडा के निजी स्कूल में स्विमिंग के लिए गए सीए निशांत की संदिग्ध मौत हो गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया है। स्विमिंग पूल के पास लगे सीसीटीवी के जरिए घटना की जांच की जा रही है। जनपद के कई स्कूलों में कमर्शियल तरीके से चल रहे हैं स्विमिंग पूल। थाना सेक्टर 20 क्षेत्र का पूरा मामला है। कुछ दिन पहले भी पुराना ये बताया जा रहा है हैबतपुर स्विमिंग पूल में 10वीं के छात्र हिमांशु की मौत हुई थी और अब एक और मौत सामने आई है। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है। तो नोएडा से खबर है, निजी स्कूल के स्विमिंग पूल में चार्टर्ड अकाउंटेंट की मौत हो गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सौरभ भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर, हमारे रिपोर्टर। सौरभ, क्या जानकारी मिल रही है? फिलहाल पुलिस की जांच कहां तक पहुंची? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगी। जो पूरा मामला है ये नोएडा के सेक्टर 20 थाना क्षेत्र का है, जहाँ पे कि निजी स्कूल के स्विमिंग पूल में एक सीए की मौत हो गई है। निशांत नाम था सीए का और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। स्विमिंग पूल के पास में जो लगे सीसीटीवी हैं उनको भी खंगाला जा रहा है। जिस तरीके से जनपद में कई स्कूलों में स्विमिंग पूल चल रहे हैं, उसके बावजूद भी उन पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन जो डीसीपी हैं वो इस पूरे मामले जो है संज्ञान ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये घटना हुई अपने आप में बहुत ही बड़ी घटना है। और जो शव परिजनों से कोई बातचीत हो पाई है सीए के? प्रणव, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी प्रणव, ये पूरे मामले में जो सीए जिनकी शव मिला है उनके परिजनों से कोई बातचीत हुई है पुलिस की? आज सीए थे जो मृतक हैं वो बिहार के रहने वाले थे और वो स्विमिंग पूल में नहाने के लिए गए थे। लेकिन जो हाल फिलहाल जो बात हुई है वो यही है कि पता नहीं कि किस वजह को लेकर, क्योंकि जो गहराई थी स्विमिंग पूल की वो भी इतनी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पे डूबने के बाद में जिस तरीके की ये बड़ी वारदात हुई अपने आप में बड़ी ही गंभीर वारदात है। लेकिन हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में जांच में जुट गई है और जो डीसीपी हैं वो इस मामले को खुद देख रहे हैं और उनका कहना है कि जल्द से जल्द इस मामले में पूरी कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, लेकिन पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है शव को और आगे की जांच कर रही है।